दोस्त दीपक और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन का। दोस्तों आप सभी को लेके चलने वाले हैं बलिया के रेलवे स्टेशन पे। बलिया से अगर आप सभी को नई दिल्ली के लिए यात्रा करना है स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से, तो दोस्तों बलिया के रेलवे स्टेशन से हफ्ते में कब कब चलाया जा रहा है और क्या टाइमिंग है खुलने का और स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, जिससे कि आपको अगर लोकल में यात्रा करना है या बलिया से दिल्ली तक, तो आप इस ट्रेन से इजिली कैसे यात्रा कर सकते हैं और कैसे कंफर्म टिकट मिलेगा, आज की इस वीडियो में पूरा आप सभी को नॉलेज प्रोवाइड किया जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक ही देखा कीजिए, क्योंकि लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो ही आपको नॉलेज प्रोवाइड हो पाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है ताकि अच्छे से अच्छे आप सभी के साथ शेयर कर सके। तो चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्मार्टफोन पे मिलता रहे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश यूपी बलिया के रेलवे स्टेशन पे, और दोस्तों बलिया के रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी लगी हुई है जयनगर से नई दिल्ली के लिए जाने के लिए। और आप सभी को बता दें कि दोस्तों बलिया के रेलवे स्टेशन से हफ्ता में कितने दिन कब कब चलाया जा रहा है और इसका कहाँ कहाँ स्टॉपेज है अगर आपको लोकल में यात्रा करना है इस ट्रेन से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से यात्रा करना ही पड़ सकता है। तो आइए अब जानते हैं इसका कहां कहां स्टॉपेज। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी कोविड-19 स्पेशल ट्रेन का गाड़ी नंबर है 02561, और यह गाड़ी बलिया के रेलवे स्टेशन पे 9:45 PM यानी कि रात के समय चलती है। और आप सभी को बता दें कि यह गाड़ी रोजाना दोस्तों है बलिया से न्यू दिल्ली तक का। और दोस्तों इसका किराया की बात करें बलिया से तो 450 रुपया है बलिया से न्यू दिल्ली तक का, और जयनगर से न्यू दिल्ली तक यह ट्रेन जाती है। और सुबह के समय मैंने इस गाड़ी को शूट किया है आते समय, तो वीडियो को फिर लास्ट तक देखिए। दोस्तों जयनगर से खुलने के बाद मधुबनी, सकरी जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर के रास्ते, और आप सभी को आगे में बता देते हैं फिर इसका स्टॉपेज कहाँ कहाँ है। तो सोनपुर के बाद छपरा, सुरेमनपुर, बलिया में आपको 9:45 PM रात के समय में यह गाड़ी मिल जाती है, गाजीपुर सिटी, ओणिहार, वाराणसी, ज्ञानपुर, प्रयागराज, कानपुर। दोस्तों कानपुर के बाद इसका अगला स्टॉपेज बता दे रहा हूँ आप, कानपुर के बाद है अलीगढ़, गाजियाबाद, और लास्ट स्टॉपेज है दोस्तों इसका नई दिल्ली। तो यानी कि दोस्तों आपको स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से जयनगर से और आपको नई दिल्ली तक का यात्रा करना है तो इस ट्रेन से इजीली आप यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि कोविड-19 के स्पेशल ट्रेन अभी ही चलाए जा रहे हैं और कोरोना वायरस को महामारी को देखते हुए, और जैसे रेलवे के बोर्ड की तरफ से जो भी न्यू ट्रेन चलाया जाएगा आपके बलिया से या छपरा से या बक्सर से किसी भी रूट से ट्रेन अगर चलाया जाता है, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और आप इस ट्रेन से आपको लोकल में यात्रा करना है तो तत्काल टिकट कैसे ले सकते हैं या इससे आप कैसे मतलब इजीली यात्रा कर सकते हैं और इसका कंफर्म टिकट आपको कैसे मिलेगा, लास्ट की वीडियो में बताया हूं आप सभी को। और दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी जो जयनगर से चल के नई दिल्ली तक जाती है, और आपसे आप यात्रा इस ट्रेन से कर सकते हैं और आगे की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों जयनगर से लेकर नई दिल्ली तक स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन चलती है, और आप सभी बता दें कि तत्काल में यानी कि लोकल में आपको यात्रा करना है आसपास में तो कैसे आप कंफर्म टिकट मिलेगा। जैसे कि आप सभी को बता दें कि रेलवे के काउंटर से जाके आप 48 घंटा पहले टिकट ले सकते हैं, और दोस्तों इसमें अभी जनरल सेवा बंद है, जनरल टिकट नहीं मिलेगा, आपको रिजर्वेशन करा के ही यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपको दिल्ली तक जाना है जयनगर से या बलिया से कहीं से भी अगर आपको ट्रेन पकड़ना है इसका जो भी रूट मैंने बताया, तो आपको लंबे रूट के लिए अगर पकड़ना है तो आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन इधर आपको टिकट लेना पड़ेगा, कंफर्म टिकट होगा तभी यात्रा कर पाएंगे। और दोस्तों आप इससे इजीली यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आई होप कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा आज की इस वीडियो में, और आप सभी का क्या राय इस वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।